घंटों चल रही कांग्रेस विधायक दल की बैठक अब खत्म हो गई है और धीरे धीरे सारे विधायक जो हैं वो अब निकलने लगे। ये बैठक कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा के आवास पर आयोजित की गई थी। इसमें कांग्रेस के सारे विधायक इस बैठक में शामिल थे। इस बैठक से ये चर्चाएं निकल के सामने आ रही थी, कयास जरूर लग रहे थे कि कांग्रेस अपना MLC का उम्मीदवार उतार सकती है, लेकिन बैठक खत्म होने के बाद तमाम नेताओं ने जो मीडिया के सामने बात रखी है उसमें साफ तौर पे कहा है कि सदन शुरू होने वाला, 24 तारीख से सदन शुरू होने वाला है और उसमें सरकार को किस तरह से घेरा जाए, बढ़ती महंगाई, बढ़ते भ्रष्टाचार, बढ़ते अपराध को लेकर किस तरह सरकार को घेरा जाए उस पर चर्चाएं हुई हैं। और ये साफ कर दिया कि कांग्रेस इस MLC चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, यानी कि चुनाव नहीं लड़ेगी और महागठबंधन का समर्थन करेगी या नहीं कांग्रेस, ये फिलहाल अभी तय नहीं हुआ। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के तमाम नेता, पहले आप वो सुने। देखिए, मूलतः मीट टुगेदर है। CLP लीडर हमारे अजीत शर्मा जी ने कवर किया रात में, आइए हम लोग आए आपस में मिल करके, जो हाउस चल रहा था उस पर भी विचार विमर्श किए और जो विधायकों की अपनी इच्छा थी या बात करने का था, अपनी बात बतानी थी, वो भी बात बता दिए जो क्या चाहते हैं। उसी हिसाब से हम लोग आला कमान को भी सब बात अवगत करा देंगे, ये बातचीत हुई तो हम समझते हैं ये मीट टुगेदर था और हम लोग मिले हैं आपस में। हाँ, बराबर मिलते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। नहीं, MLC चुनाव में मेरी संख्या 19 है और 31 वोट की आवश्यकता है और हम लोग को जनता ने सिर्फ 19 वोट दिया है, तो हम लोग को मैंडेट नहीं है लड़ने के लिए और हम लोग नहीं चाहते हैं जो कोई गलत तरीका हो, जो मान लीजिए BJP के लोग करते हैं उस तरह से हम लोग नहीं चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर रहता संख्या तो लड़ते। देखिए, ये हम लोग को जानकारी नहीं है जो कौन दिए हैं और कांग्रेस के लिए हैं अगर कोई, तो हो सकता है जो उनको इच्छा हो लड़ने की, ये भी इच्छा हो जो कहीं मुझे टिकट मिल जाए तो लास्ट मोमेंट में हमको फॉर्म नहीं मिले, नहीं कर सके। जब तक नामांकन दाखिल नहीं हो जाता है तब तक उसको हम लोग अन्यथा लेने का सवाल नहीं। हाँ, आप ये मान के चल सकते हैं अभी के परिस्थिति में। अभी तक कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो रही थी, क्या चर्चाएं हुई? सर, सदन 24 तारीख से सदन चलने वाला है। देखिए, जनता विधायक को चुनती है उसकी आवाज़ बनने के लिए, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, जो उसकी समस्याएं हैं, उसकी आवाज़ बनने के लिए उन पे बातों पर चर्चा हुआ कि हम लोग जोरदार ढंग से आवाज़ उठाएं और सरकार की जो नीति गलत है उसके खिलाफ हम लोग मिलजुल के सरकार को घेरने का काम करें। आप खुद जानते हैं महंगाई क्या हालत चरम सीमा पर है, बेरोजगारी कैसे बढ़ गया है और जो केंद्र सरकार हिंदू और मुसलमान, चूंकि यहाँ भी NDA की सरकार है जो केंद्र में है, आप देश को तोड़ने का जो काम कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत जोरदार तरीके से सब लोग मिलजुल के, जरूरत पड़ी तो विपक्ष भी, हम चाहेंगे विपक्ष भी एक साथ लड़े नहीं आवाज़ उठाए और हम लोग सरकार को घेर के उसकी नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाए। सर, MLC चुनाव की बातें चल रही थी कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार उतारा जाएगा और कांग्रेस के नेता जो हैं वो पर्चा भी ले लिए हैं, सर क्या क्रॉस वोटिंग की तैयारी? नहीं, ऐसा है, आप कह रहे हैं कि ले लिया, मुझे इसकी जानकारी अभी भी मिला है कोई कांग्रेस का वर्कर लिया है। लोकतंत्र में सब स्वतंत्र है, कोई भी खरीद सकता है, आप हम कोई भी जनता, ये तो यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, जनता ने सिर्फ आपको 19 सीट दिया है, हम लोग को 31 है नहीं और जो राजद RJD ने तो अपना तीनों सीट उम्मीदवार घोषणा कर दी है, जबकि उनको बैठ के बात करनी चाहिए था, लेकिन हम लोग अभी 19 हैं इसलिए 19 में हम लोग नहीं जीत सकते और हम लोग 19 जब हैं तो जीतेंगे नहीं, आप भी जानते हैं, इसलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़ रहे, यही आलाकमान का निर्णय। तो स्पष्ट हो गया सर, कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी? स्पष्ट शुरू से है कि हम लोग जैसे जब तक समझ तक वो तो तीनों सीट अनाउंस कर दिए, फिर कहाँ लड़ने की बात थी, तो हम लोग ने आला कमान से बात की, चिट्ठी लिखी, सब बात हुई, बोला कि नहीं जब आपको 19 ही है, जनता ने आपको 19 दिया है, अगले बार का इंतजार कीजिए, जनता आपको फुल सपोर्ट करेगी, आप लोग कांग्रेस को मजबूत करिए फिर चुनाव लड़िए। इस बार कांग्रेस RJD को समर्थन कर रही है? अभी कोई समर्थन की बात ही नहीं है, अब वो तो अपना अनाउंस किए हैं, हम लोग कांग्रेस तटस्थ रहेंगे, हम लोग किसी को ना सपोर्ट करेंगे ना कुछ करेंगे, हम लोग रहेंगे चूंकि हमको जनता ने 19 सीट दिया है, इंतजार करेंगे अगले चुनाव में जो आए कि हम लोग को पूरे बहुमत जनता दे और हम लोग आवाज़ उनकी बन सके।
नहीं नहीं देखिए कांग्रेस का कभी भी इस तरह की मंशा नहीं रहती है और कांग्रेस इस तरह की चीज़ों पे विश्वास नहीं करती है। हमारा निर्णय पार्टी का निर्णय सब आदरणीय सोनिया जी और हमारे नेता राहुल जी लेते हैं। जो उनका निर्णय होता है वो आखिरी निर्णय होता है, वो सर्वोपरि है और वो निर्णय विधायक लोग ही मानते हैं। आज की बैठक में तो पहले भी बताई कि 24 से सदन चलने वाला है। बिहार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लूट कांड इतना बढ़ा हुआ है, अपराध बढ़ा हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ अपने क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हो गया, तो अपराधी का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते। हर समय यहाँ पर बीजेपी जो है और जदयू के नेता सुशासन की बात करते हैं, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बहुत तरह के ऐसे जन सरोकार के मुद्दे हैं। उन पे हम लोग बैठे थे बात करने के लिए कि हम लोग 24 को किस तरह से सदन में जन सरोकार के मुद्दे को मजबूती से उठाएं ताकि सरकार का ध्यान आकर्षित करा। तो आपने सुना कांग्रेस के तमाम नेताओं ने एक साथ एक सुर में कहा है कि कांग्रेस MLC का चुनाव नहीं लड़ेगी। और ये बैठक जो आयोजित की गई थी ये सरकार को घेरने को लेकर बैठक आयोजित की गई थी। साथ ही साथ महागठबंधन में समर्थन करेगी या नहीं कांग्रेस, इस पर संशय अभी तक बरकरार है। कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि जो आलाकमान है उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद कांग्रेस अंदर समर्थन देगी या नहीं विधान परिषद के चुनाव में महागठबंधन को, ये बाद में फैसला लिया जाएगा। तब तक के लिए बने रहें द एच डी न्यूज़ के साथ और देखते रहें द एच डी न्यूज़।